आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। आगामी त्योहार मुहर्रम पर्व, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं आदि त्योहार को देखते हुए थाना परिसर रामपुरा में शांति समिति की बैठक सायं 5:30 बजे आयोजित की गई, जिसमें SDM पवन बारिया, तहसीलदार रामपुरा BK मकवाना, थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नंदलाल प्रजापति, विद्युत विभाग कनिष्ठ यंत्री BK मंडल की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उक्त अधिकारियों ने बताया कि त्योहार का पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, क्योंकि 2 वर्षों से कोरोना के कारण त्योहार नहीं मना पा रहे थे, किन्तु इस वर्ष सभी त्योहार पूर्ण शांति पूर्वक एवं सौहार्द पूर्ण वातावरण में मनाए जाएंगे। उक्त अधिकारियों ने साफ सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर परिषद को निर्देशित किया है। बैठक में शांति समिति के सदस्यगण, नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु, समाज जन, नगर पालिका कर्मचारी, पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। महावीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, Bureau.com रामपुरा। थाना क्षेत्र में आज जो है मुहर्रम के अवसर पर जो है शांति समिति की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी। इसमें सभी शांति समिति के बैठक में जितने जो सदस्य थे सभी यहाँ पर आए। 30 तारीख से लेके 10 तारीख तक प्रतिदिन में जो 4 तारीख, 6 तारीख, 8, 9, 10 जो इनके कार्यक्रम होंगे, जो जुलूस निकलेंगे, तो उस संबंध में प्रशासन से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उस संबंध में सभी से व्यापक चर्चा की गई है। प्रशासन की ओर से, नगर परिषद की ओर से पर्याप्त लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो सड़कें जहां पर कुछ हैं तो उसके पैचवर्क की व्यवस्था, तो इन सभी में जो है हमने सभी लोगों को यहाँ आश्वस्त किया कि प्रशासन से सारा सहयोग मिलेगा। प्रशासन की ओर से जो शांति समिति के लोगों से हमने ये उनसे ये उम्मीद की है कि उसमें जो टाइमिंग है, कितने भी रैली और जुलूस के, तो वो टाइम पे निकले और उसके साथ साथ जो भी सहयोग, जो वॉलेंटियर्स उनके रहते हैं, तो वो पूरा उसमें सहयोग करें। ट्रैफिक व्यवस्था में कोई निर्बाध किसी चीज़ की कोई चीज़ ना रहे, तो सभी का, इन सभी ने आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से हम पूरा आश्वस्त हैं। मुहर्रम के अवसर पर जो है सभी को हम शुभकामना देते हैं, अच्छे से शांतिपूर्वक एक मिलनसार जो हमेशा रामपुरा में एक रहा है त्यौहार को लेके, वो इस तरह भी इसमें भी रहे। और कोविड के बाद ये 2 साल के बाद हमारा पहला मुहर्रम का त्यौहार है, तो सब इसको हंसी खुशी हर्षोल्लास से मनाए। जो अखाड़े यहाँ पर निकलेंगे तो उसमें हमने सभी शांति समिति के बैठकों से ये बताया है कि उसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी धारदार हथियार, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वजह से कोई भी अगर कोई तनाव पैदा हो तो इस तरह से सभी निषेध रहेगा, कोई उसका उपयोग नहीं रहेगा। जो विसर्जन रहेगा तो वो रिंग वॉल के वहाँ पर रहता है, तो उसमें हमने जो हमारे होमगार्ड रहेंगे, जो तैराक रहेंगे, क्योंकि उसमें पानी में विसर्जित करते हैं, तो उसके लिए जो लिखित में भी एक ड्यूटी हम उसमें लगा देंगे ताकि लोग वहाँ पर ट्यूब पानी और ये इसमें स्टीमर की व्यवस्था रहे, तैराक की व्यवस्था रहे, तो कोई अप्रिय ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना रहे।